हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 132, जो कि 14 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है। एंड आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथ्स, यानी कि गणित। सबसे पहले आप यहां अपना नाम लिखेंगे और यहां आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास 5 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी सेक्शन है वो मेंशन करेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है चित्र पहेली, जिसमें हमें दो चित्र दे रखे हैं, चित्र एक और चित्र दो। आपको इन दोनों ही चित्रों को बहुत ध्यान से देखना है और किन्हीं चार गलतियों या अंतर को आपको ढूंढना है। तो बच्चों देखो, पहली गलती जो हम दोनों पिक्चर में देख पा रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे देखो, बादलों के बीच में ये जो भी मलबा है, इसके बीच में ये लाइन बनी हुई है, जबकि यहाँ पे ये लाइन नहीं बनी है। तो ये तो पहला अंतर हो जाएगा। दूसरे अंतर की बात हम करेंगे कि यहाँ पे देखो एक निशान बना हुआ है, जबकि यहाँ पे वो निशान नहीं है। ये हो गया दूसरा अंतर। अगर हम तीसरा अंतर देखें तो यहाँ पे देखो तीन डॉट्स, तीन चीज़ें बना रखी हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें हैं। तो ये तीसरा अंतर हो गया। और अगर हम चौथे अंतर की बात करें तो इसके साथ देखो यहाँ पे भी एक खिड़की जैसी कोई स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है, जबकि यहाँ पे वो स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये चार अंतर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब इसके आगे देखो, हमें कह रखा है कि सोनम और सफीना के मोहल्ले में एक पार्क था, लेकिन उसकी देखभाल ना होने के कारण वह बहुत बुरी हालत में था। तो मोहल्ले वालों ने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस पार्क को हम ठीक कर दें और इस पार्क के चारों ओर एक बाड़ लगा दिया जाए, जिससे कि जानवर या दूसरे ऐसे चीज़ें उसके अंदर ना जाएं जो इस पार्क की हालत को ज़्यादा ख़राब करते हों। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा कि इस पार्क के हम दो हिस्से कर देते हैं। एक हिस्से में तो हम पेड़ पौधे लगा देंगे और जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पे हम बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पे झूले वगैरह लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद वे सभी लोग हिसाब लगाने लग गए कि यहाँ पे इतना सारा अगर काम किया जाना है तो इसके लिए कितना खर्च हमें करना पड़ेगा। अब देखो, इस सिचुएशन के लिए हमें नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं। सबसे पहले, ये जो पार्क है इसकी लंबाई है 20 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर। तो हमसे पूछा है कि पार्क के चारों ओर बाड़ बनाने के लिए कितने मीटर लंबी तार की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, अगर हमें पार्क को चारों तरफ से कवर करना है तो 20 मीटर यहाँ पे लगाएंगे और 20 मीटर यहाँ पे लगाएंगे, आ जाएगा 40 मीटर, 10 मीटर यहाँ पे, 50 मीटर और 10 मीटर यहाँ पे, 60 मीटर। तो हमें कुल मिलाकर जो बाड़ लगाना पड़ेगा वो लगाएंगे हम 60 मीटर। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि यदि 1 मीटर तार की कीमत 150 रुपये है तो पूरे पार्क के चारों ओर की बाड़ लगाने के लिए कुल कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। देखो, हमें जो तार चाहिए वो चाहिए 60 मीटर की और 1 मीटर की जो कीमत है वो है 150 रुपये। तो कुल मिला के यहाँ पर जो हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे वो है 60 × 150। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 9000 रुपये। यानी सही उत्तर कौन सा है? सेकंड वाला, 9000 रुपये। तीसरा प्रश्न है कि यदि आधे पार्क को झूले लगाने के लिए खाली छोड़ा जाएगा तो पार्क के कितने क्षेत्र में घास और पौधे लगेंगे। देखो, इस पार्क के इस आधे हिस्से पे तो हम झूला लगा रहे हैं, तो हमसे पूछा हुआ है कि जो बचा हुआ हिस्सा है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो बच्चों देखो, ये जो बचा हुआ क्षेत्रफल है इसका, यहाँ पे देखो ये लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई भी है 10 मीटर, लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। और क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते हैं, तो हमें करना पड़ेगा 10 × 10 m³². यानी आंसर कितना आ जाएगा? 100 m³², या फिर इसको हम 100 m² भी लिख सकते हैं। तो सही उत्तर है तीसरा वाला ऑप्शन, 100 m² या 100 m². ठीक है, चौथे प्रश्न में हमसे पूछा है कि 1 m² में घास और पौधे लगाने का खर्च 450 रुपये है तो आधे पार्क में घास और पौधे लगाने में कितने रुपए खर्च करने होंगे। तो देखो, हमें ये कहा है कि 1 मीटर पे अगर हम घास और पौधे लगाना चाहते हैं तो 450 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और इस पूरे पार्क का, यानी इस वाले हिस्से का जहाँ पे हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, उसका क्षेत्रफल कितना आया था? 100 वर्ग
मीटर, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 45,000 रुपये। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अब पांचवें प्रश्न में हमसे कहा है कि यदि झूले लगाने में 5,000 रुपये लगेंगे तो पार्क को पूरा तैयार करने में कुल कितने रुपये लगेंगे। तो अभी हमने देखा कि झूले लगाने वाली साइड में हमें 5,000 रुपये खर्च करने हैं और जहाँ पे पार्क लगाया जाना है वहाँ पे कितने रुपये खर्च हो रहे हैं? 45,000 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो 5,000 और 45,000 को आपस में आप जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? चलो जोड़ कर देखते हैं। हम पहले लिखेंगे 45,000 और इसके नीचे लिखेंगे 5,000 और इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो बच्चों उत्तर आ जाएगा 50,000 रुपये। ठीक है, पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या है? 50,000 रुपये। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि इसी प्रकार की कोई अन्य स्थिति देते हुए बच्चों को परिमाप तथा क्षेत्रफल पता लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।